नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रही बेटा? चेक कर लेते हैं एक बार। हेलो 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 हेलो, चलो देख लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। अभी मैं क्लास ले रहा था, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इसलिए वो क्लास नहीं ले पा रहा था, तो मैंने स्क्रीन से शेयर किया था आपको क्लास, और वो शायद आपको पसंद नहीं आई। तो मैं कहता हूँ कि आज की क्लास आप जो है थोड़ा सा, मैं छोटी सी वीडियो बना देता हूँ जो टॉपिक मैंने वहाँ पर लिया था और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था, अब ये समझ में आ जाएगा कि ये क्लास क्या है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं एक फॉर्मूला डिराइव करूंगा, जो छोटी सी फॉर्मूला है, और उसको आप देख लीजिए, छोटी सी वीडियो में हम करा देते हैं आज, ठीक है? फिर इसके लिए जो भी होगा, यस, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं और सारे बच्चों को वेलकम। सबको ये कहेंगे कि बस अपने काम में लगे रहिए, और इतना ही कहेंगे कि सबसे पहला काम जो हर बार मैं बोलता हूँ वो करते रहिए कि जो वीडियो मैंने इस चैप्टर 4 क्लास 12th का है, चैप्टर 4 कि वीडियो है, मैंने कहा था 1 से लेकर 7 तक हमारा हो चुका है आपको पढ़ने के लिए, मैंने कहा था आप पढ़ लिए होंगे। अब आगे चलते हैं कि 8, 9 को आप कर लो, फिर इसके बाद ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से हो जाएगा कवर, और मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। आज मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन को करा देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है? तो सबसे पहली बात है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। चैटिंग हम लास्ट में करेंगे, सबको हेलो, सबको वेलकम, तो चैटिंग हम लास्ट में करेंगे, बातचीत हम लास्ट में करेंगे। अभी करते हैं शून्य कोटीय अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझने वाली बात है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या हुआ। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटीय अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसा रिएक्शन जिसकी अभिक्रिया की दर, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिनकी अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की जो स्पीड है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यानी जो अभिकारक लिए हो वो आप हाई कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं कि लो कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम रहे या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहे, यानी कि सांद्रता कम रहे या सांद्रता ज्यादा रहे, अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं होती है। आपको पता है किसी अभिक्रिया की जो रेट है, अभिक्रिया की जो स्पीड है, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। अभिकारकों की सांद्रता को घटा देंगे, अभिकारकों की दर घट जा, अभिक्रिया की दर जो है घट जाती है। लेकिन ऐसी भी एक अभिक्रिया है, ऐसी भी एक अभिक्रिया है जिसकी जिसमें अभिकारकों की सांद्रताओं में परिवर्तन कर दें तो अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी अभिक्रियाओं को हम शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। बात यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब यह हुआ कि कोई हम रेट रिएक्शन में, हम रेट लॉ के अनुसार हम इसके इक्वेशन लिखते हैं, रेट इक्वेशन लिखते हैं, तो जो अभिकारक होता है उस पर जो ये एन है, एन मतलब क्या हुआ, यही तो अभिक्रिया की कोटि हुआ, तो ये जो वैल्यू है एन की वैल्यू जीरो है, यानी कि हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू के ए की पावर जो है वो जीरो है, यानी कि आर इज इक्वल टू के ये होगा, क्योंकि जब किसी चीज की पावर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है? तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं और इनको हम समझते हुए चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो, मतलब अगर हमारे पास कोई रिएक्शन हो, आर रिएक्शन, मेरे पास कोई रिएक्शन है, रिएक्शन में मैंने ले लिया एक अभिकारक है, रिएक्टेंट है, वो ए है, और वो बनाता है प्रोडक्ट। कैसे लिखना है वो बता रहा हूं बेटा, प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनाता है। तो प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक समय में मतलब इनिशियल टाइम पर, जब टाइम कितना हो, शून्य हो, यानी जब शुरुआत कर रहे हो रिएक्शन की, तब इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने ए माना, तब ये बच जाएगा हमारे पास, उस टाइम ये बना ही नहीं होगा ना प्रोडक्ट, वो होगा जीरो। जब टी टाइम के बाद जब यह अभिक्रिया होगी तब एक्स वैल्यू इसका बन जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ए माइनस एक्स। सो दर नियमानुसार क्या होगा, दर नियमानुसार, अभिक्रिया दर नियमानुसार, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन
हमारे पास होगा अभिक्रिया की दर R is equals to K, अभिकारक है A, A की पावर है 0, मतलब R is equals to K मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। चलिए अब हम बल गतिकी के नियमानुसार हम चलेंगे जी, अब हम बल गति के अनुसार हम चलेंगे तो क्या होगा, माइस्टोरियस दुनिया आपके लिए मैं रिपोर्ट करता हूं, क्योंकि इस तरह की किसी की अच्छी चीजों को खराब नहीं कह सकते, ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखिए गूगल रिपोर्ट आपका लॉक हो जाएगा, ऐसे कोई भी बच्चा मेरे क्लास में नहीं हो सकता जो गलत तरह से बिहेव करे। ठीक है, चलिए चलिए अब चलते हैं, हम यहां पर जो चल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम काम कर रहे हैं आगे, तो अब समझ में आ गया बेटा, हम इस बात पे हमेशा ध्यान रखते हैं कि कोई भी गलत तरह से कमेंट ना करें जिससे हमारी जी ठीक है। चलिए आगे चलें, अगर किसी को हमारी क्लास अच्छी नहीं लगती है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हमारे क्लास में आए और हम डिस्टर्ब हो, हमारे स्टूडेंट डिस्टर्ब हो, अगर आपको अच्छी लगती तो रहिए, नहीं रहती लगती तो अच्छा मत रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जिस इंसान ने मेरे साथ मेरी क्लास से जुड़ा है उसकी लाइफ कभी बर्बाद नहीं, उसकी लाइफ बनी है, तो यही चाहते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं, हाँ जी चलिए हम आगे चलते हैं। ये आपने देखा, तो अगर हम काइनेटिक की थ्योरी के अनुसार हम रेट निकालें तो हम यहां पर लिख देते हैं बल गति के अनुसार, काइनेटिक अकॉर्डिंग टू काइनेटिक केमिकल काइनेटिक, तो यहां पर हम लिखेंगे बल गति के लिख देते हैं, है ना, बल गति की के अनुसार क्या होगा अभिक्रिया की दर, बोलो क्या होगा, R is equals to, ये चेंज हुआ है कितना हुआ है dx, dx by dt, मैं ये सब पढ़ा चुका हूं, ये कहां से आया, ये कैसे आता है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, अगर शुरू से अगर चल रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, दोनों में R है तो R is equals to K हो रहा है, R is equals to ये हो रहा है, मतलब ये हुआ R की वैल्यू को हम यहां पे लग दें यानी K हो जाएगा, तो क्या मिला हमें, यहां पर मिला K is equals to dx by dt, यानी कि इक्वेशन नंबर समीकरण समीकरण 1 व 2 से ये हमें ये मिला, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या हुआ dx is equals to K dt हो जाएगा, बोलो K dt हो जाएगा। अब हम इसका समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, तब क्या हो जाएगा, समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, बोलो क्या होगा, समाकलन करने पर हो जाएगा फंक्शन, समाकलन मतलब इंटीग्रेशन ना, इंटीग्रेशन करने पर तो क्या हो जाएगा dx is equals to k, किसी भी कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है क्योंकि लिमिट होगा उसमें, तो ये dt हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x, इसकी वैल्यू कितनी होगी k t plus c। जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ में आएगी उनको मैं कहूंगा कि यहां तक आप यदि बायोलॉजी वाले हो तो यहां पर मेरे पास समझाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, आपको यहां पर समझना होगा x is equals to k t plus c। अब यहां पर समझना है कि c की वैल्यू क्या होगी, तो c की वैल्यू के लिए हमें चलना होगा यहां पर कि प्रारंभिक समय में, इनिशियल टाइम, प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक समय मतलब क्या होता है, t का मान कितना हो, शून्य हो, तब
टी का मान जब शून्य हो तो एक्स की वैल्यू कितनी है? शून्य। तो यहां पर आप रख लीजिएगा एक्स की वैल्यू हो गई शून्य। अब मान रख दो बेटा, मान इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, अगर हम 3 में रखते हैं तो क्या हुआ बोलो? 3 में क्या रखेंगे? इसकी वैल्यू रखते हैं, तो 3 में x की वैल्यू 0 हो गई और t की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ओनली c बचा है। तो मतलब हुआ 0 इज इक्वल टू c हुआ, यानी c की वैल्यू हमें मिल चुका है, और c की वैल्यू को हम पुट कर दें यहां पर। तो c की वैल्यू को पुट करें तो क्या हो जाएगा? कहां पर पुट कर दें बेटा? इसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। हिंदी, इंग्लिश और हिंदी का फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे देख लीजिए साफ लाइन नजर आ रहा है। एक बच्चे ने बोला है तो मैं बता देता हूँ आपको, बस वर्ड्स को आप थोड़ा सा चेंज कर रख लो। चलो आगे चलें, तो क्या करेंगे, समीकरण यानी इक्वेशन 3 में सी का मान रख देते हैं, का मान रखने पर अगर हम ऐसा करते हैं तो c की वैल्यू कितनी बेटा? 0। तो हम यहां पर रखते हैं तो क्या मिला? x इज इक्वल टू के टी प्लस c की वैल्यू 0, है ना। तो c की वैल्यू 0 हो गई, तो बस इतनी वैल्यू मिलेगी हमको x की, तो हमारे पास हो जाएगा k इज इक्वल टू x बाई टी। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमें क्या मिल रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमें मिल रहा है k इज इक्वल टू x बाई टी, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें क्या मिला था अगर आपको याद आ रहा हो तो? कोई बताएगा मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या फॉर्मूला मिला था k का? k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी, और क्या मिला था? लॉग 10 बेस पर x बाय सॉरी a बाई a बाई a माइनस x मिला था, याद है ना आपको। सो यहां पर जीरो ऑर्डर के लिए k इज इक्वल्स टू x बाय टी, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी log 10 बेस a बाई a माइनस एक्स, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब जी इस तरह से आपने पढ़ा था, और अब देखेंगे थोड़ा सा आगे, और क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल लेके आ रहा हूं इन सबके ये इक्वेशन को लेकर के, सो आप पूरी तैयारी के साथ रहिएगा न्यूमेरिकल करने के लिए। लॉग वैल्यू वगैरह थोड़ा देखने आता है कि नहीं आता, उसके लिए मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को लॉग वैल्यू देखने नहीं आता है उनके लिए मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिए हैं, वहां पर जाकर के आप लॉग वैल्यू कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने क्या करा है, लिंक दिए हैं। तो लॉग वैल्यू निकालने के लिए एक वीडियो है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, जिन बच्चों को लॉग की वैल्यू निकालना नहीं आता उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है जी। चलिए हो गया जी, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं यहां पे, आप लोग आपस में बातचीत मत करिए क्योंकि मैं अभी एक पॉइंट और बच गया है, वो हाफ लाइफ पीरियड। चलो यहां पे इनको हटा देता हूं, बाद में नोट कर लीजिएगा इनको। इस तरह के डेरिवेशन करने की जरूरत पड़ सकती है आपको, तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या मिल चुका है? के इज इक्वल टू एक्स बाई टी। लेकिन हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा? अर्ध आयु काल क्या होगा? अर्ध आयु काल, जिसको कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड, लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा बेटा? आधा समय, मतलब वह समय टी ऐसा हो कि मतलब उसके आधे अभिक्रिया हो चुकी हो, आधे रिएक्शन हो चुका हो, तो हम हाफ लाइफ पीरियड को हम डिनोट करते हैं, टी को डिनोट करेंगे टी हाफ से। किसे डिनोट करेंगे? टी हाफ से। कैसे लिखेंगे मैं एक बार और लिख के दिखा देता हूं, टी को डिनोट करेंगे यहां पर टी हाफ से, तो टी की वैल्यू को टी हाफ मान लेते हैं, और एक्स जो अभिक्रिया में भाग ले चुका है वो कितना होगा? प्रारंभिक मात्रा का आधा होगा। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अभी फॉर्मूला हम निकाले थे, तो फॉर्मूला है के इज इक्वल टू एक्स बाई टी। सो ये वैल्यू यहां पर रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बोलो? ये वैल्यू यहां पर रखने पर हमें मिल रहा है, क्या मिला? k इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या मिली? a बाई टू, और t की वैल्यू क्या मिला? t हाफ। तो हमने यहां पर रखा t हाफ। सो इस तरह से हमें मिल गया t हाफ इज इक्वल टू a बाई टू के। तो जीरो ऑर्डर के लिए ये मिलता है। तो आपने क्या क्या देखा उसे देख लो। आपने पिछले दो क्लास के अंदर आपने देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या मिला वो भी बता देते। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको क्या मिला? आपको मिला k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग 10 बेस
a by a minus x, और t half is equals to क्या देखा 0.693 by, आपने क्या देखा यहां पे by k. और यहां पर अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो क्या मिला आपको, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या मिला आपको, k is equals to x by t, और t half is equals to आपको मिला a by 2k. तो इस तरह से इन दोनों का फॉर्मूला हो गया, और इस दोनों फॉर्मूले को आपको करना होगा और आपके एग्जाम में काम आएगा. मैंने देखा कि आज लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, क्या बोलते हैं, नेट स्पीड कम हो रहा है, नेट स्पीड आ रही है, फिर जा रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, फिर भी हम 2 घंटे से लगे हुए हैं कि आपको क्लास दे सकें, लेकिन नहीं दे पा रहे थे, तो हमने सोचा कि कैसे भी करके आपको देना ही है. सो देखो लास्ट 15 मिनट में हमने आपके लिए क्लास लेके आए हैं. सो बेटा ये ध्यान रखो, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, और कोई गलत तरह से बिहेव करे तो हमें वो पसंद नहीं आती है. और याद रखना, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और ये लाइक हमारे लिए बहुत काम आता है, क्योंकि हम आपको वादा करते हैं कि किसी भी हाल में आप 90+ मार्क्स ही लाएंगे, किसी भी हाल में, यदि मेरे क्लासेस आप रेगुलर कर रहे हो और जो मैं बता रहा हूं उसे आप कर रहे हो तो. ठीक है, जल्दी करें, जिस पे नोट करना है वो नोट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो आप सबको पसंद आई हमारी क्लास आज की, तो आज इस क्लास को आप करिए. ओके, हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए न्यूमेरिकल लेके आएंगे. किसी तरह की कोई बात कहना है तो आप कह सकते हैं. प्रथम कोटि अभिक्रिया 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती तो अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या होगा, बिल्कुल आसान है. अगर ये ऐसी बात है तो मैं ये क्वेश्चन का आपका जवाब दे देता हूँ. आपका क्वेश्चन क्या है, कौन है, RGRS राजस्थानी. तो चलिए वही आपके क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को हम आपके लिए सॉल्व कर देते हैं. चलिए देखते हैं, आप जब पूछ रहे हैं तो आपके जवाब दे देते हैं. चलिए, आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आप आपके क्वेश्चन का मैं यहां पर जवाब दे देता हूं. ठीक है, आप निश्चिंत रहिए. आपने कहा है एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, इसका मतलब क्या है उसको मैं बता देता हूं आपको. तो इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, बोर्ड ओपन कर लेता हूं फिर मैं आपको बता देता हूं. ओके, चलिए चलिए, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसकी मैं, उसने आपने कहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अभिक्रिया है 50 मिनट में, तो टाइम इज इक्वल्स टू आपके लिए कितना होगा, 50 मिनट हो गया बेटा. किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया है उस क्वेश्चन को चैटिंग में आप लोग देख लीजिएगा, GRS राजस्थानी लिखा है, दोबारा आप टाइप कर दो तो आप बच्चे भी देख सकते हैं, थोड़ी रोक करके आप देख लीजिएगा. 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है, मतलब जो कंप्लीट होता है वो 90% है, ये है. तो इसका मतलब है कि 90% पूर्ण हो जाती है ये बोला गया है. So, आपके पास क्या होगा, 90% x की वैल्यू 90 है. ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 90 है. अब इसका मतलब यह हुआ कि a की वैल्यू कितनी होगी, 100 में 90 गया ना, तो कितना बचा, a माइनस x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10, यही है. ठीक है, अब क्या पूछा गया है कि इसमें हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा, हाफ लाइफ पीरियड आपने पूछा है, अर्धायु काल पूछा है आपने. So, आप एक काम करो, यहां पर अर्धायु काल ज्ञात करने के लिए यहां पर 2 फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नंबर 1, हाफ लाइफ पीरियड के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है बताइए, 0.693 बाय के, तो के की जरूरत है, तो के कहां से आएगा, फॉर्मूला नंबर 2. तो फॉर्मूला नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं काम. तो के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी, हाँ, लॉग 10 बेस ए बाय, ये कितना है, ए माइनस, कितना है, a माइनस एक्स, ए माइनस एक्स. अब बताओ क्या होगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई 50, जो वैल्यू उसको पुट कर देते हैं, log 10 बेस a की वैल्यू 100 बाई
a माइनस एक्स की वैल्यू 100, तो क्या होगा? लॉग आपको पता होना चाहिए, लॉग 10 की वैल्यू जो होती है, 10 बेस 10 की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो k की वैल्यू इतना आया, कितना आया k की वैल्यू, हमको क्या मिला 2.303/50। ये हुआ बेटा आपका। अब इस वैल्यू को कहां रख दें, यहां पे रख दें। तो अब फॉर्मूले फॉर्मूला 1 में मान रखते हैं, ठीक है, में मान रखने पर, तो अगर हम फॉर्मूला 1 में मान रखते हैं तो क्या मिलेगा बोलो, तो t half इज इक्वल टू 0.693/k, k की वैल्यू क्या होगी, ये, तो हम नीचे 2.303/50, तो 50 को आप ऊपर कर लीजिए, इस तरह से इसकी वैल्यू मिल गया। कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, बताओ जल्दी से। तो आपके क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिए हैं, आंसर यही है। बोलो कितना आया, 0.693/50/2.303, वैल्यू आ रहा है 15.04 मिनट, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा, ये है आपका आंसर। इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन था तो आपके क्वेश्चन का जवाब यही है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास होंगे, तो सारे क्वेश्चन इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो उसमें ऑर्डर लिखा रहेगा उस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन चैटिंग में बच्चा दे रहा था, क्या नाम है, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया। तो कई बार ऐसा होगा कि मैं आपके जवाब दूंगा, लेकिन बात यह है तब जब हम ये सोच के आएंगे। तो आज की क्लास छोटी हो गई है, आपके दिल रखने के लिए मैंने एक क्वेश्चन का जवाब दे दिया था। तो चलिए सभी के सभी बच्चे इस बात पर ध्यान दें कि हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और जैसे कल आपका क्लास लेना था मुझे फ्राइडे को, तो कल नेट का प्रॉब्लम था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन आप सब मेहनत करिए, सब रेगुलर आइए क्लास में, सब कुछ मैं दूंगा आपको। तो और ध्यान रखिएगा कि आप सबकी मेहनत जो है वही, और हम जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो मेहनत करो, जब हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो रंग लाएगी, और आपका मैंने बोला ना परसेंटेज हाई होगा। सो हमारे क्लास के साथ रेगुलर रहिए, और फिर हम मिलेंगे मंडे, तब तक के लिए नमस्कार। और जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसको देखा करो बेटा, वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों को, लेकिन हमेशा उस बच्चे को शुरुआत की वीडियो शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे इतने इस लेवल पे अगर वीडियो